Hey guys, welcome back to the channel. आज हम करने वाले हैं वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हो रहा है बारिश का मौसम. नहीं, असल में इतना नहीं गिर रहा. देखो, दिख रहा है पानी गिर रहा है. तो कहानी है स्कूल टाइम की, जब अक्षांश, अभिषेक और मैं स्कूल में अंधी मचा रहे थे. ये बात है क्लास 11th एंड 12th की. मैं कैसा अजीब सा दिख रहा हूँ. जब अक्षांश और मैं बात करते थे अबाउट लैम्बोर्गिनीज एंड माजेराटीज एंड बुगाटी विरॉन के W16 इंजन के बारे में, तभी अभिषेक बात करता था अबाउट आई जस्ट कैन नॉट टेल यू. अभिषेक किस बारे में बात करता था? इट्स जस्ट कि तुम्हारा जो अजम्पशन होगा ना, अज्यूम करो, और जो भी तुम्हारा अजम्पशन होगा वो एकदम सही होगा, ठीक है. बट स्टिल दोज डेज वर रियली अमेजिंग. लाइक स्कूल डेज की ना बात ही अलग होती है. सो ईयर था अराउंड 2013 का. उस टाइम पे एनवीडिया की साइट से एक ब्रांड न्यू ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुआ, जो कि था GTX 780 Ti. ये उस टाइम पे लॉन्च हुआ था जिस टाइम पे 780 मार्केट के अंदर था, लेकिन ये लॉन्च हुआ एक अलग ही महंगी प्राइस पॉइंट के ऊपर, और जिसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था. अक्षांश ने ग्राफिक कार्ड खरीदने की बजाय स्कूटर खरीद ली, एंड आई जस्ट वेटेड सो दैट कुछ नया आए. फास्ट फॉरवर्ड टू 1 ईयर लेटर, एक साल के बाद एक नई सीरीज आई एनवीडिया की साइट से. ये सीरीज थी GTX 900 सीरीज. यहाँ पर लॉन्च हुए दो ब्रांड न्यू ग्राफिक्स कार्ड, एक था GTX 970 और दूसरा था GTX 980. जब परफॉर्मेंस के रिजल्ट आए, वी सॉ दिस वन थिंग कि यार 970 जो था वो 780 Ti से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था. दिस थिंग कम्प्लीटली ब्लू आर माइंड, बिकॉज 970 जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था वो 780 Ti के प्राइस पॉइंट से अच्छा खासा नीचे था. सो वॉट वी डिड, वी बॉट द 970, एंड उसको लेने के बाद, जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं, उसके जस्ट लेने के बाद एग्जैक्टली 2 साल के बाद एक नई सीरीज आई जिसका नाम था एनवीडिया की साइट से पास्कल आर्किटेक्चर, यानी कि 1000 सीरीज. यहाँ पर भी सेम पैटर्न देखने को मिला. यहाँ पर भी GTX 1070 परफॉर्म करता था एग्जैक्टली सिमिलर या मे बी इवन बेटर टू द 980 Ti. सो जैसे कि हमने पहले देखा, वही सेम यहाँ पर हुआ. तो यहाँ पर हमको एक तरह का पैटर्न नज़र आया. पैटर्न ये था कि जो भी अगली जनरेशन आएगी उसका 70 वाला वर्जन जो है वो करेंट जनरेशन के टॉप मॉडल से बेटर होगा, यानी कि 970 विल बी इक्वल टू 780 Ti एंड 1070 विल बी इक्वल टू 980 Ti. यही पर देखने के बाद हम ये अज्यूम कर सकते थे कि जब भी 20 सीरीज आएगी, यानी कि GTX 2070 आएगा, तब एक बात कन्फर्म है कि 2070 विल परफॉर्म सिमिलरली और नेक टू नेक विद द GTX 1080 Ti. तो वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इनसेन थी. लेकिन जब वो सामने सच में आए, जब अभी वो लॉन्च हुए, तो वी रियलाइज कि GTX 2080 ही कुछ कुछ टाइटल्स के अंदर 1080 Ti से हार जाता है. मतलब नेक ऑन नेक तो है, बट ओनली नेक ऑन नेक है वो भी 2080. वॉट अबाउट द 2070? सो यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग तो था, बट देन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट के अलावा एक और चीज़ ये भी थी कि जब हमने मैक्सवेल सीरीज से पास्कल सीरीज पे जंप किया था, तो वो 28 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर था, और जो पास्कल सीरीज थी वो था 60 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर. तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया था यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन था. ऑल्सो जब इन्होंने पास्कल से ट्यूरिंग पे जंप किया तो मात्र 4 नैनोमीटर का अंतर आया. तो इट वॉज जस्ट लाइक अ रिफ्रेश, बट नॉट दैट कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट. बट देन देयर वॉज दिस थिंग जिसका नाम था RTX. तो लोग ये बोलेंगे कि भाई ये GTX है ही नहीं, तो तुम उसको कंपेयर कर सकते नहीं हो. बट देन मैं उन लोगों से पूछूंगा कि यार, इवन इफ दिस इज नॉट अ GTX, बट देन कौन से ऐसे गेम्स हैं जिसके अंदर जो कि RTX को सपोर्ट करते हैं? आज की डेट के अंदर ऐसा कोई भी गेम नहीं है जो कि रेडी हैंडेडली RTX को सपोर्ट करता हो. लाइक फाइनल फैंटेसी 15 के अलावा और कोई डेमो आया ही नहीं, या मेन गेम तो आया ही नहीं जो कि RTX को राइट ऑफ द बैट सपोर्ट करता हो. नाउ गेम्स लाइक बैटलफील्ड 5 तक प्रॉपरली नहीं आया है. गेम्स लाइक शैडो ऑफ द टूम रेडर पे प्रॉपर अपडेट नहीं आया है, जिस वजह से गेम जो है RTX को सपोर्ट करेगा. तो अभी भी शैडो ऑफ द टूम रेडर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन वो गेम जो है वो आज की तारीख के अंदर RTX को सपोर्ट नहीं करता. तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं. अब सवाल ये उठता है कि डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से आएगा? वेल, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये जो ग्राफिक्स कार्ड हैं ये इतने बेटर परफॉर्म नहीं करते जितना हमको एक्सपेक्टेशंस थी. मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूँ कि भाई यहाँ पर जो गेम्स थे वो प्रॉपरली अवेलेबल भी नहीं है. मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए भी नहीं हूँ कि अगर हम यहाँ से टेंसर कोर को निकाल दें तो फिर ये ग्राफिक्स कार्ड एक बहुत ही नॉमिनल रिफ्रेश है, एंड रिफ्रेश बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर कूड़ा कोर्स का नंबर को इंक्रीज कर दिया है. नाउ बिकॉज 2080 Ti इज हैविंग 4352 कूड़ा कोर्स, वहीं पर 1080 Ti के अंदर जो कूड़ा कोर्स थे वो थे अराउंड 3584 टू बी प्रिसाइज. तो यहाँ पर बिकॉज इन्होंने कूड़ा कोर्स का नंबर बढ़ा दिया है, दैट इज रीजन वाई यहाँ पर जो ब्रांड न्यू ग्राफिक्स कार्ड है वो ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करते हैं. सो ओवरऑल रीजंस फॉर डिसअपॉइंटमेंट आर अ लॉट, लेकिन द सिंगल रीजन वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग ऑफ द ग्राफिक कार्ड, एंड ऑल्सो ऐसा लगता है कि ये ग्राफिक कार्ड जो है
एकदम हड़बड़ी में लॉन्च हुए हैं, लाइक उनको प्रॉपर मैच्योरिटी का टाइम ही नहीं मिल पाया एंड अब वो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ इफ यू वांट माय ओपिनियन ऑन दिस थिंग कि अगर तुम जा रहे हो खरीदने के लिए 2080 Ti तो व्हाट विल आई से, वेल आई विल से टू थिंग्स टू यू। पहला कि 2080 Ti एक मत खरीदो, जस्ट इन्वेस्ट योर कैश एंड बाय 2 1080 Ti's, इन दोनों को ऐसे लाइन में लगाओ एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। सेकेंड चीज आई विल से टू यू इस कि तुम वेट करो अराउंड 1 से 1.5 महीने का, बिकॉज तब जाके असलियत सामने आएगी, बिकॉज तब जाके लॉन्च होगा प्रॉपर RTX एनेबल्ड शैडो ऑफ द टूम रेडर गेम एंड तब जाके हमें मालूम पड़ेगा कि उस गेम के अंदर एक विजुअल डिफरेंस कितना आया है, दो परफॉर्मेंस डिफरेंस कितना आया है एंड तीन कि 1080 Ti जब RTX को एनेबल करते हैं तो उस चीज़ का परफॉर्मेंस कैसा आता है, बिकॉज दैट इज द रियल क्वेश्चन राइट नाउ और वो अभी भी एक मिस्ट्री है एंड वो तभी निकल जाएगा बाहर जब वो गेम लॉन्च हो जाएगा। सो अभी के लिए आई विल जस्ट से इफ यू कैन वेट देन वेट, इफ यू कैन नॉट वेट देन बाय 2 1080 Ti's बिकॉज दैट थिंग विल नेवर डिसअपॉइंट यू व्हाटसोएवर। सो आज का वीडियो इतना ही है गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू कमेंट डाउन बिलो कि तुम उतने रुपए के अंदर, जितने रुपए के अंदर 2080 Ti पड़ रहा है 1,25,000 रुपए के अंदर, तुम उस प्राइस के ऊपर तुम क्या क्या खरीद सकते हो। आई वॉन्ट यू टू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन बिलो, यू कैन बाय अ कार, सेकेंड हैंड कार आ जाएगी शायद एंड फर्स्ट हैंड बाइक आ जाएगी, विच बाइक कैन कम उसका नाम डालो नीचे। एंड आई वॉन्ट टू नो कि 1,25,000 1,30,000 के अंदर RTX 2080 Ti को ना लेकर क्या क्या खरीदा जा सकता है। ऑल्सो एक किडनी को बेचने पर कितने रुपये मिलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बी क्रिएटिव, जो करना है वो करो, जस्ट गलत काम मत करो, अच्छे काम करो। बाय। आजा आजा आजा, बाहर पानी गिर रहा है ना इसलिए वो अंदर आ रहा है।